बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टू थ्री वी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कनिंद्रा की फहाश फिल्मों में गिरफ्तारी के बाद हैरानकुन खबरें सामने आ रही हैं कि अरब बॉलीवुड डांसर नूरे फतेही, नेहा धोपिया और सेलिना जेटली समेत दीगर अदाकाराओं को भी जल्द फहाश फिल्मों की पेशकश की जानी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज कनिंद्रा की जानब से बनाई गई ऐप हॉट शॉट की टीम की जानब से बनाई गई एक मुख्तसर वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया था कि जल्द ही फिल्मों के लिए नामवर बॉलीवुड अदाकारों से रवाबित किए जाने थे। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में हॉट शॉट टीम की जानब से बताया गया कि जल्द ही ऐप इंतजामिया अरब डांसर नूरे फतेही, अदाकारा नेहा धोपिया, सेलिना जेटली, किम शर्मा, अर्शी खान, स्कारलेट रोज और बाबरा मूरी से फिल्मों की शूटिंग से मुतालिक राबता करेगी। ये वाजे नहीं हो सका कि वीडियो में मस्कोरा अदाकाराओं के फहाश फिल्मों में काम करने से मुतालिक बात कही गई थी या नहीं। ताहम हॉट शॉट इंतजामिया के होदेदार वीडियो में बताए दिखाई दिए कि वो इन नामवर अदाकारों से जल्द राबता करने वाले थे। मस्कोरा वीडियो वायरल होने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेलिना जेटली से राबता किया और पूछा कि क्या उन्हें फहाश फिल्मों में काम की कोई पेशकश की गई थी या नहीं, जिस पर अदाकारा के तर्जमान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सेलिना जेटली के तर्जमान ने वाजे किया कि अदाकारा से हॉट शॉट ऐप की फिल्मों में काम से मुतलक कोई पेशकश नहीं की गई। अलबत्ता उन्हें शिल्पा शेट्टी की एक दोस्त ने दूसरी ऐप में काम करने का जरूर कहा था। सेलिना जेटली के तर्जमान के मुताबिक अदाकारा को शिल्पा शेट्टी के जे एल स्ट्रीम नामी ऐप के मनसूबे पर काम की पेशकश की गई थी, जो कि बेहतरीन मवाद की एप्लीकेशन है। ख्याल रहे कि मुंबई पुलिस ने अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शोहर सनतकार राज कनिंद्रा को 19 जुलाई को फहाश फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ फौरी 2021 में मुकदमा दायर हुआ था। बाद अज़ां राज कनिंद्रा को 14 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था और 27 जुलाई को उन्हें एक बार फिर मजीद 2 हफ्तों के लिए अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। मस्कोरा केस में शिल्पा शेट्टी से भी पुलिस ने तफ्तीश की है और जांच की जा रही है कि कहीं वो भी शोहर के साथ फहाश फिल्में बनाने के मंसूबे पर तो नहीं काम कर रही। तहम अब तक की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा बराह रास्त मुलव्वस नहीं नजर आई। नाजिन, ये तो थी आज की वीडियो। मजीद दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।